गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनिलकेश शर्मा आप लोगों का मेरे इस वीडियो पे स्वागत करता हूँ। और आज का मेरा जो ये वीडियो लेक्चर है, ये डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का वीडियो लेक्चर 5 है। और पिछले लेक्चर में हम डेटा मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेसिकली डेटा मॉडल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल और फिजिकल बेस्ड डेटा मॉडल। तो रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल में हमने पढ़ा था कि हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या है, नेटवर्किंग डेटा मॉडल क्या है और रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है। तो पिछले लेक्चर में मैंने रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल को फिनिश कर दिया था और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल क्या है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डेटाबेस के फील्ड में डेटाबेस की डिज़ाइनिंग और स्ट्रक्चर जब तैयार करते हैं तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम इसमें एंटिटी रिलेशनशिप को देखते हैं कि वन टेबल का टेबल के बीच में रिलेशन क्या है, 1-to-1 का है या फिर 1-to-many का है, 1-to-many का है या 1-to-many का है। साथ ही साथ जो है प्राइमरी की, फॉरेन की, यानी कि डिफरेंट कीज़ वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो इस तरह की जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल में देखने को मिलेगी। तो हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो अगले 4 से 5 वीडियो में जो है हम ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल के बारे में ही जो है पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। बट इसे शुरू करने से पहले जो है मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट को एंटिटी रिलेशनशिप बोलते हैं और दूसरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले एंटिटी रिलेशनशिप को डेवलप किसने किया था, इट वॉज डेवलप्ड बाय पीपी चेन इन 1976। 1976 में पीपी चेन नाम के जो साइंटिस्ट है उसने एंटिटी रिलेशनशिप को जो है डेवलप किया था। और एंटिटी रिलेशनशिप क्या करता है, इट गिव्स प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ डेटा एंड हाउ इट इज यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। तो एंटिटी रिलेशनशिप जो है डेटा को समझने के लिए, डेटा का डेटा के बीच में क्या रिलेशन है उसको दिखाने के लिए जो है एंटिटी रिलेशनशिप को हम यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है, डेटा के नेचर को बहुत ही अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो इट इज़ ए हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल डेवलप्ड टू फैसिलिटेट डेटाबेस डिज़ाइन। तो एंटिटी रिलेशनशिप का यूज जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में इसका यूज होता है। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल को हम लॉजिकल डेटा मॉडल भी बोल सकते हैं और लॉजिकल स्कीमा भी बोल सकते हैं। तो पिछले मतलब लास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि डेटाबेस की डिजाइनिंग से संबंधित 3 बातें होती है, एक तो फिजिकल स्कीमा, दूसरा लॉजिकल स्कीमा और तीसरा व्यू स्कीमा। तो फिजिकल स्कीमा जो है डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होगा, उसका फाइल सिस्टम क्या होगा, उसका जो है उसका उसके फोल्डर्स कौन कौन से होंगे, हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन से यूज होंगे। तो इस तरह की जब डिजाइनिंग करते हैं तो उसको फिजिकल स्कीमा बोलते हैं। और व्यू स्कीमा में जो है एंड यूजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट से जो है डेटाबेस एप्लीकेशन को यूज करके अपने रिक्वायरमेंट के इंफॉर्मेशन को फेच करता है, तो उसको व्यू लेवल स्कीमा बोलते हैं। बट लॉजिकल स्कीमा जो है वही ये है कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। तो लॉजिकल स्कीमा में हम टेबल्स के नेम डिफाइन करते हैं, टेबल्स के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है वो डिफाइन करते हैं और टेबल्स का टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो दिखाते हैं इसी एंटिटी रिलेशनशिप को यूज करके। और साथ में कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स अप्लाई किए जाते हैं वो सारा डिफाइन किए जाएंगे, वो सारा डिफाइन होता है। तो ये जो एंटिटी रिलेशनशिप है ये लॉजिकल जो है स्कीमा में ही यूज होता है, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में ही यूज होता है। तो कॉन्सेप्चुअल एंटिटी रिलेशनशिप क्या, एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है ये। और इट इज़ ए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ
डेटाबेस एंड एसोसिएटेड रिट्रीवल एंड अपडेट ट्रांजेक्शन्स ऑन द डेटाबेस। तो जो है कंसेप्चुअल डेटा मॉडल क्या है, एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स है और ये डिस्क्राइब करता है कि डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसमें रिट्रीवल और अपडेट ट्रांजेक्शन्स कैसे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो एंटिटी रिलेशनशिप जो है, इट इज़ ए टॉप डाउन अप्रोच टू द डेटाबेस डिजाइनिंग। डेटाबेस डिजाइनिंग का ये टॉप डाउन अप्रोच है और इट इज़ ए लॉजिकल डेटाबेस मॉडल। तो मैंने बताया था लॉजिकल स्कीमा में एंटिटी रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं, तो इसीलिए एंटिटी रिलेशनशिप को हम लॉजिकल डेटाबेस मॉडल भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर डिजाइनिंग द रिलेशनल डेटाबेस। तो एंटिटी रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस की डिजाइनिंग करने के लिए। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था रिलेशनल डेटा मॉडल में कि एक से ज़्यादा टेबल्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं। तो एक से ज़्यादा टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए दो या तीन टेबल, चार टेबल के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट होता है, तो उस कॉमन एट्रीब्यूट को फॉरेन की बना देते हैं और टेबल्स को आपस में जोड़ देते हैं। तो जब इस तरह की डिजाइनिंग करते हैं, इस तरह टेबल्स को जोड़ते हैं, तो उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। तो एंटिटी रिलेशनशिप जो है रिलेशनल डेटाबेस में ही यूज होता है। इट हैज़ ए लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर एंटरप्राइज और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। तो एंटिटी रिलेशनशिप से जो है हम जो है डेटा को लॉजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इट हैज़ बिकम ए वाइडली एक्सेप्टेड डेटा मॉडल। तो एंटिटी रिलेशनशिप जो है एक वाइडली एक्सेप्टेड डेटा मॉडल है और इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सिमेंटिक कॉन्सेप्ट्स। तो एंटिटी रिलेशनशिप जो है फॉलोइंग नीचे के स्लाइड में, अगले स्लाइड में हम इसके सिमेंटिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो सिमेंटिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि एंटिटी रिलेशनशिप में बेसिकली कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो अब देखते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप में जो है सिमेंटिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो है वो है एंटिटी। तो इसमें देखते हैं कि एंटिटी क्या है। तो दीज आर द टेबल्स ऑफ योर डेटाबेस। तो आपके डेटाबेस में जितने भी टेबल्स होते हैं, जितने भी टेबल्स के नेम होते हैं, उनको हम एंटिटी या एंटिटी नेम भी बोल सकते हैं। तो टेबल को एंटिटी बोलते हैं, टेबल्स के नेम को एंटिटी नेम बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्या है, एक टेबल का नाम है, तो इसको एंटिटी का नाम भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से कोर्स भी एक एंटिटी या टेबल का नाम हो सकता है, एक बुक भी एंटिटी टेबल का नाम हो सकता है, एम्प्लॉई डिपार्टमेंट, ये दोनों भी एंटिटी और टेबल के नाम हो सकते हैं। तो इन द ER डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल्स। तो जब हम ER डायग्राम बनाते हैं, तो ER डायग्राम में जब हम एंटिटी को शो करते हैं, एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नीचे के जो डायग्राम है उसमें हमारे पास स्टूडेंट एक एंटिटी का नेम है, एक टेबल का नाम है, और कॉलेज भी एक एंटिटी का नाम है, टेबल का नाम है। तो स्टूडेंट और कॉलेज का आपस में क्या रिलेशन है? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट कॉलेज में ही जाएंगे पढ़ने के लिए, और कॉलेज जो होगा वो स्टूडेंट से ही जो है रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट को अगर कॉलेज के साथ रिलेशन दिखाना है कि स्टूडेंट कॉलेज में स्टडी करता है, तो इस रिलेशन को हम एंटिटी, इस रिलेशन को हम रेक्टेंगल से जो है शो करेंगे। तो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो स्टडी जो है यहाँ पर हमने रेक्टेंगल के फॉर्म में स्टडी लिख करके स्टूडेंट और कॉलेज को आपस में जोड़ा है, इसके रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश की है। उसी तरीके से दूसरा जो सिमेंटिक है वो है हमारे पास एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट क्या है वो देखते हैं। तो इट इज़ ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो एंटिटी सेट किसे बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स के सेट को एंटिटी सेट बोलते हैं। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं, तो एट्रीब्यूट हो गया एक एंटिटी है स्टूडेंट,
या एक टेबल है स्टूडेंट, और उस टेबल के तीन जो है स्टूडेंट टेबल के यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट है, तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स, ये तीन एट्रीब्यूट है या तीन फील्ड्स के नेम है। तो इन तीनों को एक साथ हम एंटिटी सेट बोलेंगे स्टूडेंट टेबल के लिए, स्टूडेंट एंटिटी के लिए। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स, कॉलेज आईडी, लोकेशन, ये सब क्या है, ये सब एक एंटिटी सेट है। तो स्टूडेंट एंटिटी के लिए स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स, ये क्या है, स्टूडेंट एंटिटी का एक एंटिटी सेट है। और उसी तरीके से कॉलेज के लिए कॉलेज आईडी और कॉलेज का लोकेशन, ये भी कॉलेज एंटिटी का एंटिटी सेट है। और स्टूडेंट और कॉलेज को हमने एक रेक्टेंगल के साथ जो है इसके रिलेशन को दिखाया है। अब देखते हैं एंटिटी टाइप। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटी, एक को वीक एंटिटी बोलते हैं, दूसरे को स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वीक एंटिटी क्या है और उसके बाद देखेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है। तो वीक एंटिटी जो होते हैं वे वीक एंटिटी वो एंटिटी होते हैं जो अदर एंटिटी पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो वो एक एंटिटी हो गया बैंक अकाउंट का, और वो बैंक अकाउंट किस बैंक से रिलेटेड है तो बैंक एक दूसरी एंटिटी हो गई। तो बैंक अकाउंट जो है डिपेंडेंट है बैंक नाम के एंटिटी पे। अगर बैंक का नाम ही नहीं होगा तो बैंक अकाउंट का कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है एक वीक एंटिटी है, और इसको जो है इसको हम तभी समझ सकते हैं जब इसके साथ कौन सा बैंक जुड़ा हुआ है वो एंटिटी इसके साथ जोड़ेंगे। तो इसलिए बैंक अकाउंट एक वीक एंटिटी है और ये बैंक नाम के एंटिटी पे डिपेंडेंट है। तो जो है वीक एंटिटी जो है वैसे एंटिटी होते हैं जो अदर एंटिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, और इसको चाइल्ड एंटिटी भी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल रेक्टेंगल से। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक बैंक अकाउंट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड विदाउट नोइंग द बैंक टू विच द अकाउंट बिलोंग्स। तो मान लीजिए बैंक अकाउंट है बट वो किस बैंक से जो है रिलेटेड है वही नहीं पता, तो हम बैंक अकाउंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है वो एक वीक एंटिटी है, और दूसरा जो है अकाउंट, सॉरी बैंक, बैंक जो है एक दूसरी एंटिटी है। तो बैंक अकाउंट जो है बैंक नाम के एंटिटी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है वो एक वीक एंटिटी है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है डबल रेक्टेंगल में, और ये बैंक अकाउंट जो है बैंक नाम के एंटिटी पे डिपेंडेंट है, तो इसी को वीक एंटिटी बोलते हैं। तो अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो है दूसरे एंटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसको पेरेंट एंटिटी बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास एक प्राइमरी की होता है, और इसको सिंगल रेक्टेंगल से शो करते हैं। तो नीचे हमारे पास दो एंटिटी है, एक कस्टमर एंटिटी है, एक लोन एंटिटी है। तो लोन एंटिटी यहाँ पर वीक एंटिटी है क्योंकि लोन किस बैंक से आपको मिला है उस बैंक का नाम ही नहीं पता। तो लोन क्या है, एक वीक एंटिटी है, और ये जो है बैंक एंटिटी पर ये डिपेंडेंट है लोन। और कस्टमर जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी है क्योंकि इसके पास कस्टमर आईडी एक प्राइमरी की है, उसके बाद कस्टमर नेम है, कस्टमर एड्रेस है। तो कस्टमर के पास कस्टमर आईडी यानी कि कस्टमर एंटिटी के पास कस्टमर आईडी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। और लोन जो है एक वीक एंटिटी है, तो इसमें जो एट्रीब्यूट के नेम है लोन नेम, लोन डेट, तो लोन एक वीक एंटिटी है। और लोन किस बैंक से लिया गया है जब तक वो पता नहीं चलेगा तो इस लोन का कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता है, तो लोन एक वीक एंटिटी है। तो ये था स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का मेरा जो ये वीडियो लेक्चर 5 है वो यहाँ पर जो है फिनिश होता है, और जो है बाकी के लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।